गुड मॉर्निंग 8th क्लास, वेलकम टू द हिंदी लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर दूसरा है आपका ईदगाह। ईदगाह जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है, और मुंशी प्रेमचंद जी जो है हिंदी जगत में जो है उनके जो प्रसिद्ध उनका जो है कहानी जगत में जो है प्रसिद्ध नाम जो है उनका है। और ईदगाह का अर्थ है कि जब ईद का त्यौहार जो है जिस दिन मनाया जाता है, जिस जगह पर नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम एकत्रित होकर, उस जगह को जो है ईदगाह के नाम से पुकारा जाता है। तो आज हम जो है उसी ईद के रिलेटेड जो है, ईद के त्यौहार जो है मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, उसी से संबंधित हम कहानी जो है ईदगाह पढ़ने जा रहे हैं। ईदगाह जो है रमजान के पूरे 30 रोज के बाद आज ईद का दिन आया था। सारे गांव में हलचल मची हुई थी, सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। उसमें जो लड़के थे वो भी बहुत खुश थे, वे बार बार जो है सारे बच्चे जो है अपने पैसे गिन रहे थे। आप देखो कि जब भी मेला जा होता है या कोई भी त्योहार होता है तो उसमें बच्चों को जो है जाने की सबसे ज्यादा खुशी होती है कि वो अपने जितने भी पैसे हैं वो इकट्ठे करके लेके जाएंगे, वहां पे जाके कुछ ना कुछ खिलौने या खाने की चीजें वो लेंगे। तो इसी तरह इस मेले में या इस ईदगाह में भी जो है जाने के लिए सारे बच्चे जो थे, चाहे वो लड़के थे या उनके पिता जो थे, वो भी बड़े उतावले थे। हामिद जो है उन सबसे ज्यादा प्रसन्न था, उसके पास केवल 3 पैसे थे। हामिद के कहते माता पिता मर चुके थे, अब वे अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था और उसकी गोद में सोता था। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ मेले को जाने की तैयारी कर रहे थे। आप देखो कि जैसे आप को पता होगा कि ईद के दिन जो है कि ईदगाह में सिर्फ जो है जो लड़के हैं वही जा सकते हैं, उसमें मेल मेंबर्स ही जाते हैं ईद नमाज अदा करने के लिए, तो उसमें गर्ल्स जो है कि जहाँ वुमेन्स वो नहीं जाती। तो इसी तरह गांव के जो बच्चे जो थे वो भी अपने पिता के साथ जो है वो ईदगाह के लिए जो है वो जाते हैं। हामिद की दादी जो है उसे अकेले जो है मेले में भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन हामिद जो है एक छोटा बच्चा था तो लेकिन वो बार बार जो है वो मेले में जाने की जिद कर रहा था। तो इस तरह जो उसकी दादी है वो मान जाती है। गांव से टोलियां जो है मेले के लिए चल पड़ती हैं, हामिद भी उनके साथ जो है चल पड़ता है। सारे बच्चे जो है कई तो दौड़ के आगे निकल जाते हैं और कई जो है पेड़ के नीचे बैठकर पीछे वालों का इंतजार करने लगते थे। शहर को जाने वाला रास्ता शुरू हो चुका था, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी थी और गांव के लोगों का दल जो था, गांव के लोगों की जो टोली थी अपनी गरीबी से बेखबर धीरे धीरे चल रही थी। बच्चों को नगर की सभी चीजें बड़ी अनोखी लग रही थी। आप देखो वो बच्चे गांव के थे और गांव से आए हुए थे, उन्हें शहर में आकर जो है बड़ी बड़ी चीजें थी या बड़ी बड़ी इमारतें थी, तो वो चीजें देखकर जो है वो उन्हें बड़ा ही अद्भुत लग रहा था और वो उन्हें अनोखा लग रहा था। ईदगाह का जो है कहते नजारा नजर आने जो ईदगाह जो थी नजर आने लगी थी, और ईदगाह जो है इमली के वृक्षों से वो घिरी हुई थी। हजारों की संख्या में लोग जो है वहां पर पंक्तियों बनाकर जो है वो खड़े हो चुके थे। पंक्तियां देखो ईदगाह में बनती है कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो वो एक लाइन में जो है एक पंक्ति में खड़े होकर जो है अलग अलग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज जो है पढ़ते हैं। ग्रामीणों का दल जो था, जो गांव से आए हुए लोग थे, वो भी पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो चुके थे। नमाज शुरू हो चुकी थी, सभी जो है सिर पर एक जो है साथ सिजदे के लिए झुकते और फिर सबके सब एक साथ जो है खड़े हो जाते। ऐसा कई बार हुआ, नमाज खत्म होने पर सभी लोग जो है एक दूसरे के जो है गले मिले, फिर सभी बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों पर टूट पड़े। आप देखो जब नमाज जो है खत्म हो जाती है तो फिर सारे वहां पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सबको जो है गले मिलकर ईद की बधाइयां देते हैं।
और इसी तरह जब नमाज खत्म होती है तो बच्चों को सबसे पहले क्या था कि उन्होंने खिलौनों की दुकानों पर दौड़े और मिठाइयों के लिए दौड़ पड़े। तो बहुत से जो लोग हिंडोला जो झूल रहे थे, हिंडोला में झूले झूल रहे थे, हामिद के साथी महमूद थे, उसके जो गांव से आए हुए लोग जो दोस्त थे वो कौन थे, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी घोड़ों और ऊंटों पर बैठे क्योंकि उनके पास पैसे थे। हामिद उन्हें दूर खड़ा देखता रहा, वह अपनी 3 पैसे फिजूल में खर्च करना नहीं चाहता था। फिर महमूद, मोहसिन और नूरे ने अपनी पसंद के खिलौने खरीदे, वे सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। हामिद ये नहीं चाहता था कि वे अपने पैसे जो है खिलौनों पर खर्च करे। उसने अपनी दादी के लिए 3 पैसे में 1 चिमटा खरीद लिया। अब देखो हामिद जो था कि उसकी सोच, वो भी एक बच्चा था, चाहता तो वो भी खिलौने जो ले सकता था 3 पैसे से, जहां वो झूले झूल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी दादी के लिए क्या ले लिया, 1 चिमटा ले लिया। हामिद ने जब चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दिखाया तो वह नाराज हुई, किंतु जब हामिद ने बताया कि तवे से उसकी उंगलियां जल जाती थी, कि जब उसकी दादी जो है बूढ़ी हो चुकी थी और जब वो खाना बनाती थी, रोटियां बनाती थी, तो तवे पर लगकर उसकी उंगलियां जल जाती थी, तो इसीलिए हामिद ने जो है उसे बताता है कि दादी माँ, मैंने आपके लिए चिमटा खरीदा है। तब ये सुन बूढ़ी दादी बच्चों की तरह रोने लगी और हामिद उसे चुप कराने और उसके आंसू पहुंचने लगा था। तो आप देखो इस कहानी से जो है हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक जो हामिद जो है कि उसकी सोच जो है कि कितनी जो है बाकी बच्चों से अलग थी, और वो अपनी दादी के बारे में जो है ज्यादा सोच रहा था कि उसकी दादी ने अगर उसका पालन पोषण किया है, कि वो उसके लिए रोटियां बनाती है, तो उसकी कैसे जो है तवे पर उंगलियां जो है वो उसको सेक लग जाता है, जब वो जल जाती थी। तो इसलिए हामिद जो है अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा लेकर आता है, और उसकी दादी भी जो है उसकी इसी जो प्यार को, अपने प्रति प्यार को देखकर जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू 8th क्लास। और अभी जो है इसी कहानी को जो है आप अच्छे से जो है पढ़ोगे, ठीक है। थैंक यू 8th क्लास।